पूजनी संत समाज प्रिय सज्जनों तथा देवी, लोग पूछते हैं सत्य क्या है। सत्य के विषय में विविध धारणाएं, नाना मत है, नाना दर्शन है, और दूसरे को सब कहते हैं कि वह असत्य में फंसे है। सत्य केवल मेरा है, मेरे विचार सत्य है, मेरा दर्शन सत्य है, मेरा सिद्धांत सत्य है, मेरा मत सत्य है, दूसरे झूठ है, ये प्रायः कहते हैं। तो बड़ा भ्रम होता है कि सत्य क्या है। अगर आदमी निष्पक्ष हो और उसके पास बुद्धि हो, वैधा ना हो, अवध क्षेत्र में वैधा कहते हैं, जिसकी बुद्धि कच्ची रहती है, दो और दो चार कितना होता है नहीं जान पाता है, इसका मतलब नहीं है कि वो खराब आदमी होता है। आदमी अच्छे होते हैं लेकिन बुद्धि उनकी तेज नहीं होती, बहुत मंद होती। एक हमारे साधु थे, बैधा थे, बड़े बढ़िया साधु थे, निष्काम। उनसे जब मैं पूछूं तुम्हारी उम्र कितनी है तो कहें जौन होए, तो मैं कहूं कि 2 वर्ष के हो गए, कहे काहे नहीं हो, तो मैं कहूं कि नहीं तुम 400 वर्ष के हो, तब कहे हाँ इतना हो जरूर तो 2 वर्ष और 400 वर्ष नहीं समझ पाते थे। इतना बढ़िया साधु थे, क्या पूछना। साल में 2 या 3 बार वे मेरी पूजा करते थे, जब वो रहे मैं बैठूं, उस समय जबकि मैं स्नान करके बैठ जाऊं आंगन में उनके आश्रम पर, तो जहां कहीं पूजा पाए रहे तो पत्ते में लपेट कर, कपड़े में लपेट कर, सिराने रख के रहे, तो ला करके किनारे रख दे, तो मैं कहूं ये क्या है, तो कहे यह मैवा होए, यह मैवा होए, सबका रोआवत है, ये रोआवत है। तो हम कहें तो हम में दे दो हमूक रोवाई, तब कहें आपका न रोवाई, आप गुरु हो, आपका न रोवाई पाई बहुत बढ़िया संत थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, तो उनको बैधा कहते हैं। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में लेड़गा कहते हैं, और भी क्षेत्रों में कहते होंगे कुछ। अगर आदमी बैधा ना हो, लेड़गा ना हो, समझ पाए, वे तो बैधा होते हुए भी संत रहे। अब रह गया बोध नहीं था उतना। अगर आदमी की बुद्धि काम करती है और वो निष्पक्ष है तो सत्य समझ सकता है। पहली बात तो ये सोचिए, जो सत्य खोजता है वो स्वयं सत्य है। सत्य खोजने वाले के समान सत्य क्या हो सकता है। आपके लिए आपका अस्तित्व जितना सत्य है उतना क्या सत्य हो सकता है। आप जागृत अवस्था में हैं, अपने अस्तित्व के सहित हैं, स्वप्न देखते हैं अपने अस्तित्व के सहित हैं, सुसुप्ति में हैं अपने अस्तित्व के सहित हैं, सो करके उठते हैं तो कहते हैं सुख से सोया। सुख सोने के समय में जो सुखानुभूति हुई है आपको हुई है, तभी आप कहते हैं हम सुख से सोए। जो जागृत अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में है, सुसुप्ति अवस्था में है, और इतना ही नहीं, आप अपने बिस्तर पर थे तो आप अपने अस्तित्व के सहित थे, रास्ते में आ रहे थे तब भी अपने अस्तित्व के सहित थे, यहां बैठे हैं अपने अस्तित्व अपनी सत्ता के सहित है। और अगर यहां से आप चंद्रलोक जाएं तो चंद्रलोक में भी आप अपने अस्तित्व के सहित रहेंगे, चाहे पूजा घर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे खेत हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे सड़क हो,
कहीं आप रहे, आप अपने अस्तित्व अपनी सत्ता को छोड़ करके कहीं नहीं अलग होते। इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है? आपका अस्तित्व आपके लिए परम सत है। आपका होना, आप हैं, मैं हूं, मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता, मैंने तुम्हारी बातों को मान लिया, इस प्रकार जो सबके अंदर में मैं का एक चक्र घूमता है, वह जो मैं है वह परम सत है, और उससे बड़ा सत हमारे लिए और कुछ नहीं। उस मेरे लिए देवता है, ईश्वर है, परमात्मा है, गुरु है, पीर है, खेत है, बारी है, हित दुश्मन है, दुनिया भर की सारी चीजें हैं मेरे लिए। मैं न हूं तो ईश्वर कौन कहेगा? सारे ईश्वरों का सृजन किसने किया है? सारे देवी देवताओं का सृजन किसने किया है? देखो, वैदिक युग के देवी देवता आज नहीं है। मरुत, वरुण, अश्वनी, उषा, ददरिका और बहुत देव हैं, वे आज कहीं नहीं है। इंद्र जो सबसे बड़ा देवता है, ऋग्वेद में एक चौथाई अंश में इंद्र की ही महिमा गाई गई है। 1:54 में 25% में इंद्र की महिमा है। उस इंद्र की प्रतिष्ठा हिंदू समाज में आज कहीं नहीं है। देवताओं की रचना करना, छोड़ देना, नए देवताओं की रचना करना, मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, निराकार ईश्वर मानना, साकार ईश्वर मानना, अवतार पैगंबर की कल्पना करना, द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत द्वैता द्वैत शुद्धा द्वैत अचिंत भेदा भेद, नाना दर्शनों का उदय होना किसमें है? ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? पानी का स्रोत है, मिट्टी पर तो आप बैठे ही हैं, आग है, आग ला सकते हैं आप, हीरे पन्ने पोखराज आप ला सकते हैं, ज्ञान का स्रोत कहाँ है? आप में है। मैं को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर ज्ञान का स्रोत कहीं नहीं है, और उस ज्ञान का ही ये सब खिलौना है देवी देवता, उसी ने सब रचा है। अब आप अपने को कहते हैं कि मैं तुच्छ हूं। अगर आप तुच्छ हैं तो श्रेष्ठ कौन है? किसने सारे ज्ञान विज्ञान का शोधन किया है? किसने सारे देवी देवताओं की कल्पना की है? सारे दर्शनों का किसने उदय किया है? सारे ग्रंथों, मशीनों और ज्ञान विज्ञान का सृजन आपने किया है। आपके सजात दूसरे जो आपके रूप हैं उन्होंने ही किया है। इसलिए जो सत खोजता है वो स्वयं सत है। इसलिए अपनी सत्यता को समझें। सदगुरु कबीर ने कहा, हो हुजूर ठाड़ कहत हो तय क्यों धोखे जन्म गवाओ, हो हुजूर ए इंसान तू खुद हुजूर है, श्रेष्ठ है, सम्राट है, सरकार है, तू अपना जीवन धोखे में क्यों खोता है, समझ अपने को। तो परम सत्य आप खुद है, इसका ठीक से बोध हो जाना चाहिए। आपका जो अपना आपा है वो मिट्टी पानी आग हवा का सम्मिश्रण नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का सम्मिलित स्वरूप नहीं है। चाहे देशी भाषा में कहो मिट्टी पानी आग हवा, चाहे विदेशी भाषा में कहो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इत्यादि, ये सब जड़ पदार्थ है, और इन जड़ पदार्थों का साक्षी चैतन्य ज्ञान स्वरूप आप है। आपका लक्षण विलक्षण है, भौतिक पदार्थों में आपका लक्षण नहीं है, इसलिए आप भौतिक पदार्थों से अतीत शुद्ध चेतन है, ये ज्ञान होना चाहिए। अब इसके साथ ये विचारने की जरूरत है
कि हम दूसरों की से क्या अपेक्षा रखते हैं। हम यही चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ सहानुभूति का बर्ताव करें, प्रेम का बर्ताव करें। तो यही काम हमें दूसरे के साथ करना चाहिए, ये परम सत्यता है। हम कट कह करके सुख नहीं पा सकते, दूसरे का असहयोग करके सहयोग नहीं पा सकते, दूसरे को तकलीफ दे करके सुख नहीं पा सकते। दुख देने वाला कब सुख पाएगा? हम दुख देना तो बंद नहीं करते हैं और सुख जरूर चाहते हैं। ये वैज्ञानिक नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है। दी हुई चीज ही लौट करके मिलती है। मीठा वचन दो मीठा वचन पाओ, गाली दो गाली पाओ। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखे आप दोन वासोय, यह तत्व से वह तत्व है यही सेवा होए। जैसे दर्पण में चेहरे दिखते हैं तो चेहरे जैसे होते हैं, मनुष्य का चेहरा जैसा होता है दर्पण में परिचय वैसे दिखती है। गलत करके कोई सुख नहीं पाता है, और गलत वही है जो दूसरे के लिए दुखदाई हो। जानबूझकर समझकर ऐसा काम अगर हम करते हैं जिससे दूसरे को कष्ट होता है तो हम कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये कोई गूढ़ तत्व तो नहीं, बड़ा सरल है, लेकिन इसको समझ क्यों नहीं पाते हैं? जड़ स्वार्थ हमारा, जड़ स्वार्थ, मूर्खतापूर्ण स्वार्थ। स्वार्थ में जड़ और मूर्खतापूर्ण इसलिए लगाया जा रहा है कि जो सही स्वार्थ है वो निंदनीय नहीं है। खाना पीना, सोना जागना, आवास वस्त्र, ये सब हमारा सही स्वार्थ है। इस स्वार्थ को हम त्याग नहीं सकते। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष को भी खाने पहनने रहने की जगह ये सब चाहिए। एक महात्मा एक सेठ के यहाँ गए। सेठ बहुत बड़े धनी थे, अरबपति और पति थे, बड़े बड़ी फैक्ट्री वाले। उन्होंने एक संग्रहालय बनवाया था। महात्मा से परिचित थे, महात्मा आए वो बहुत खुश हुए, गए कहे महाराज आप मेरा संग्रहालय देखिए। ले गए संग्रहालय में, 3 घंटा संग्रहालय दिखाए, एक एक बात दिखाते रहे। कहे महाराज आप अगर कोई कमी बताएं तो उसको पूरा करूं, कहीं आप कोई चीज जानते हो तो उसको मंगवा करके यहां रखी जाएगी। संग्रहालय था जिसको अजायब घर लोग कहते हैं। 3 घंटा दिखाने के बाद एक स्वागत कक्ष था, उसमें बैठा दिए, कहे महाराज यहां रहिए आराम कीजिए। से महात्मा ने सोचा इसने सब कुछ दिखाया, बारंबार कहा जो कमी हो बताओ, लेकिन इसने न भोजन पूछा न पानी पूछा। फिर सोचा कि हो सकता है पीछे से भेजे। रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, तब संतोष करके महात्मा जी सो गए। सुबह आया, महाराज अपना बढ़िया बिस्तर बांध चुके थे। कहे महाराज जा रहे हैं? कहे हाँ भाई जा रहा हूँ। कहे महाराज आपको यहाँ कोई कमी हो तो बताइए, और जो बात आपको कहीं देखे में आए बताइएगा, मैं मंगवा के इसमें रखूँगा, और आप चिट्ठी दीजिएगा। उन्होंने कहा भाई मैं क्या बताऊँ, तूने मुझे 2 रोटी नहीं दी, ये तेरा संग्रहालय किस काम का है? सब पूछा सब किया, तो रोटी के बिना काम नहीं चलता है। इसलिए जो असली स्वार्थ है उचित स्वार्थ है, वो निंदनीय नहीं, लेकिन गलत स्वार्थ, ज्यादा खाने की भावना, दूसरे के हड़पने की भावना, अधिक दबा करके रखने की भावना, ये गलत स्वार्थ, और इसी को लेकर के सब पाप होता है। तब हम नहीं समझ पाते हैं दूसरे के दुख दर्द को, नहीं तो ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि
कि अगर हम दूसरे को तकलीफ देंगे तो हमें तकलीफ मिलेगी, ये पक्का है। अपने मन इंद्रियों को हम गड़बड़ाएंगे तो उलझन में पड़ेंगे। शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इन सब का हम संयम करेंगे, विवेक से रखेंगे तो सुखी रहेंगे, इनको बिगाड़ेंगे तो दुखी होंगे। शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे, भांग पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, ये सब के सब नुकसान करेंगे। इंद्रियों को उत्तेजित करेंगे, शक्ति छीण होगी, अपना विनाश करेंगे। ये इतना सत्य है, इसको समझने में कौन सी कठिनाई है। जो कहते हम सत्य नहीं समझ पाते हैं, क्या है नाना मतों में, और तंबाकू खाते रहते हैं, तो तंबाकू समझ पाते हैं कि ये गलत है कि नहीं समझ पाते हैं? नाना मत न समझ पाते हो, एक कहता निराकार मानो, एक कहता साकार मानो, नहीं समझ पा रहे हैं, और तंबाकू भी नहीं समझ पा रहे हैं, शराब भी नहीं समझ पा रहे हैं, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा भी नहीं समझ पा रहे हैं कि गलत है। अपने इंद्रिय और मन को उत्तेजित करना, गलत रास्ते पर ले जाना, दुर्व्यसन ग्रहण करना और दूसरे को तकलीफ देने का प्रयास करना, ये दोनों बातें गलत है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे को दुख देने का प्रयास और अपने मन इंद्रियों को विकृत करना, उत्तेजित करना और उसके लिए नाना व्यसनों का सेवन करना, ये साफ है कि गलत बात है। आ इसको हम त्याग सकते हैं। जिन हरकतों से हमारे जीवन में अशांति आती है, उन हरकतों का हमें त्याग करना चाहिए, ये परम सत्यता है। कोई सगुण मानता है, निर्गुण मानता है। सद्गुरु कबीर ने तो सबका समन्वय किया है, उन्होंने कहा है, सर्वगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सर्वगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान, सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। सगुण का ज्ञान, सगुण की सेवा, निर्गुण का ज्ञान। सगुण है प्राणियों का समूह, सगुण भगवान कहां? लोग मानते हैं कि मूर्ति सगुण भगवान है, मूर्ति पूजा करो तो सगुण भगवान की पूजा हो गई। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, सगुण भगवान की पूजा नहीं। सगुण भगवान प्राणियों का समूह। वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आया है, शास्त्राक्षा शास्त्रपाद सर्वमिम विशतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। जिसके हजारों हाथ पैर श्रीग्रीवा हैं, पूरी भूमि में हुआ है, पूरी भूमि को घेर करके बैठा है और दस अंगुल के ऊपर हृदय में बैठा है, सहस शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, ये विराट पुरुष के सहस शीर्षा हजारों सिर है, हजारों पैर है, हजारों हाथ है। तो हजारों हाथ पैर वाला आदमी कहाँ है? ये समाज विराट पुरुष है, और अलग अलग जो व्यक्ति हैं मानो वही उसके हाथ पैर है। देखो यहां सगुण भगवान बैठा है, ये विराट पुरुष है, अलग अलग व्यक्ति व्यक्ति जो है उस विराट पुरुष के मानो अंग है। वह भूमि में विशतो नाम सब तरफ से वृत्त यानी घेरे हुए है। आप जमीन पर कहीं जाइए, भूमंडल पर हर जगह जीव है, लेकिन उससे अतितिष्ठत, उससे ऊपर उठ करके दशांगुलम, दस अंगुल पर बैठा है। नाभि से नापो तो दस अंगुल पर हृदय, हृदय में वो बैठा है। हृदय अनुभूत की जगह है, बाहर सेवा की जगह, हृदय अनुभूत की जगह है। तो ये जो प्राणियों का समूह है, ये सगुण भगवान है, और इनकी सेवा करना सगुण उपासना है, और निर्गुण अंतरात्मा है।
आंखें खुले तो सगुण भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आंखें बंद करो तो अपने आप चेतना का दीपक सबके अंदर में जलता हो निर्गुण भगवान है। इसलिए कबीर साहब ने कहा खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, तो यहां सगुण के लिए कहा, और निर्गुण के लिए कहा बाहर नैना क्यों खोले, तेरा साहेब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। तेरा साहेब घट के अंदर में है, बाहर क्या देख रहा। ये दोनों सगुण और निर्गुण के लिए उनका निर्देश है। सगुण उपासना प्राणियों के प्रति शील का बर्ताव है। पूजा का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं, पूजा का अर्थ सत्कार है। पूजा के अनेक अर्थ होते हैं। कोई भूखा आदमी आता है, घर का मालिक अपने बच्चे से कहता है कि इसकी पेट पूजा कर दो, तो पेट पर फूल चढ़ाने नहीं कहता, रोटी खिलाता। थानेदार साहब अपने कांस्टेबल से कहते इसकी पीठ पूजा करो, दो डंडे से पीठ पर पीटता, वो पूजा। इसलिए पूजा के अनेक अर्थ होते हैं। प्राणियों की भगवत पूजा है, प्राणियों का सत्कार, इसमें कौन सी कठिनाई है, कौन सी कूढ़ता है। मूर्ति और चित्र का भी सत्कार करना चाहिए। महापुरुष की मूर्तियां और चित्र होते हैं, वे उनके स्मारक होते हैं, उनका सत्कार जितना उपयुक्त हो उतना करो। जैसे मूर्ति या चित्र महापुरुष के आपके घर में हैं, तो उस पर धूल गर्द न जमने दो, मकड़ी जाला न बनावे, उस पर कपड़ा न रखो, कोई चीज न रखो, साफ सुथरा रखो। कहते हो कबीर साहब ने खंडन किया है। कबीर साहब कहते भाई खाए तो खिला दो, और नहीं खाता क्या खिलाते हो। कहते प्राण प्रतिष्ठा कर दिए है, प्राण प्रतिष्ठा है तो उसकी नाक के सामने उंगली करो, हवा आती होगी प्राण की तो पता चल जाएगा। उंगली में ना स्पर्श हो तो मोर पंख नाक के आगे रख दो मूर्ति के, और अगर सांस चलती होगी तो जरूर वो मोर पंख तो हिलेगा, पता चल जाएगा। वैज्ञानिक तर्क से देखो, झाड़ पूछ रखो साफ रखो, ये ठीक है। खिलाना पिलाना उसके लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें कौन गूढ़ता है। अब महापुरुषों का चित्र देखा, मूर्ति देखी तो मन प्रसन्न हुआ। महाराज राम कृष्ण बुद्ध हनुमान कबीर कोई महापुरुष हो, उनके चित्र मूर्ति देख करके उनकी याद आती है और मन प्रसन्न होता है, ये लाभ है। अब घुटने टेक करके आप मांग रहे हो महाराज हमें धन दो, रोग काटो। जो अपनी मक्खी नहीं हांक सकता है आपका रोग कैसे काटेगा। और घुटने टेक रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं हमें ये दो हमें वो दो, ये समझदारी कैसे मानी जा सकती है। अब इसको खंडन कैसे कहा जा सकता है, तो वास्तविकता है। सगुण प्राणियों का समूह है, सगुण भगवान, इनके साथ सुंदर बर्ताव करना ये कोई गुण नहीं है। निर्गुण भगवान अंतरात्मा है, शुद्ध चेतन तत्व अंतरात्मा निर्गुण भगवान है, वो आपकी चेतना है। सबके अंदर में चेतना का दीपक निरंतर जलता, जैसे मैंने शुरू में कहा था मैं हूं, मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, जो मैं तत्व है वही चेतन तत्व है, वो निर्गुण है। वो निर्गुण है, उस निर्गुण तत्व को समझो। साहब कहते उसका ज्ञान करो, सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो, प्राणियों की सेवा करो, और निर्गुण का ज्ञान करो। ज्ञान कैसे करोगे, संतों से पूछ कर, सदग्रंथों को पढ़कर और चिंतन करके। संतों से प्रश्न करो सकारात्मक, बितंडाबाद के लिए नहीं। कुछ प्रश्नार्थी ऐसे आते हैं जो बकवास करते रहते हैं, वो बेकार है। ग्रहण करने की दृष्टि से पूछो,
सदग्रंथ पढ़ो और विचारो, चिंतन करो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं नाम की छोटी सी पुस्तक है इन पुस्तकों में। जो न पढ़े हो उसको पढ़ें। तो निर्गुण का कर ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान करो, और सर्वगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण निर्गुण से परे ध्यान का विषय है। सगुण में सेवा है, निर्गुण में ज्ञान है, और ध्यान में विश्राम है। उसमें न सेवा है न ज्ञान है। जिस समय कोई ध्यान करेगा तो सेवा कैसे करेगा? इंद्रियां भी शांत, मन भी शांत, उसका जगत शांत हो जाता है, वहां सेवा संभव नहीं और ज्ञान भी संभव नहीं। ज्ञान मन द्वारा होता है और मन ही को वहां शांत कर दिया जाता है, इसलिए ज्ञान भी नहीं है। सब ज्ञान की वहां परिसमाप्ति है, वहां स्वयं ज्ञान स्वरूप आत्म अस्तित्व है। तो सर्वगुण निर्गुण से परे न वहां सगुण की गुंजाइश है न निर्गुण की गुंजाइश है, वहां तो पूर्ण विश्राम है। ध्यान का स्वरूप होता है आरंभिक, किसी आलंबन में अपने मन को ठहराना। आलंबन का अर्थ है आधार। किसी महापुरुष का चित्र मन में लिया और उसमें मन रोका, आंखें बंद की, बंद आंखों में जो दिखाई दिया उसमें मन रोका, अंधकार प्रकाश ज्योत बदलते रंग, नाद की कल्पना की, नाद में मन को रोका, सांस पर मन को रोका, सांस आती जाती है उसी पर मन को रोका, एक बिंदु की कल्पना कर ली उसमें मन को रोका, मैं शुद्ध चेतन हूं अविनाशी हूं इन विचारों में मन को रोका, ये सब अनेक मन रोकने के साधन है। लेकिन अंतिम बात क्या है? मन को ही समाप्त कर देना, सारे संकल्पों का त्याग करना, और त्याग करते करते सारे संकल्प शांत हो गए। जब संकल्प शांत हो गए तो संसार शांत हो गए। संकल्प में ही संसार गूंजता, संकल्प शांत होने पर संसार शांत हो जाता है। वह सगुण निर्गुण से परे की दशा है, उसमें कोई क्रिया नहीं। क्रिया में सेवा होती है, कोई क्रिया नहीं और ज्ञान भी नहीं, क्योंकि मनोवृत्ति विलीन हो गई है, वहां ज्ञान भी नहीं। वहां तो ज्ञान का फल है, वो निर्गुण तत्व है। ये कोई संप्रदाय की बात मैं नहीं कहता हूं, यह आपके जीवन के अस्तित्व और बोध और साधना की बात कहता हूं। आप हैं, इसमें कौन मत है, कबीर पंथ है कि वैष्णव है कि वेदांत है, आपका होना, आपका होना सभी मतों से अलग की चीज है। आप हैं, आपके पास मन भी है, मन को आप शांत कर दिए, इसमें कौन संप्रदाय है? सारे संकल्पों को छोड़ करके अपने आप में शांत हो गया, ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है। और जब चित्त शांत हो गया तो वहां संसार कहां है? संकल्प तंतो निकला भावा प्रोक्ता किला नगर, छिन्ने तंतो न जानी मह क्वायान विभुआ परा। ये महाराज राम ने संसार कहां गया? संकल्पों में सारा संसार चित्रित है। गाड़ी नींद में पहुंच करके हम संसार को एकदम भूल जाते हैं, क्योंकि वहां चित्त तंतु टूट गया है, चित्त का तागा टूट गया है। जैसे तागा टूट जाने पर मड़ियां बिखर जाती हैं, वैसे चित्त शांत हो जाने पर संसार उसका शांत हो जाता है। और ये सब का अनुभव है सुसुप्त में। गाड़ी नींद में जाने पर संसार शरीर का कुछ पता नहीं रहता है, जो जागृत अवस्था में सारे संकल्पों का त्याग करके आत्मस्थ हो गया, आत्मलीन हो गया,
वह सगुण निर्गुण से परे हो गया। ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है, आपके जीवन के अस्तित्व की बात है। जहां तक आप चार हाथ वाला भगवान बनाएंगे, दो हाथ वाला, मुरली वाला, धनुष वाला, शंख चक्रगदा पद्म वाला, और भी कुछ, वो संप्रदाय की बात होगी। कबीर को पूज करके कल्याण हो गए, संप्रदाय की बात है। राम को पूज करके कल्याण हो गए, संप्रदाय की बात है। लेकिन अपने मन इंद्रियों को शुद्ध करके, संयत करके आत्म स्थिति मिलेगी और कल्याण होगा, ये संप्रदाय की बात नहीं है। इसलिए सत्य संप्रदायों से ऊपर है। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में भिन्न देश काल में महापुरुष होते हैं। वे महापुरुष कुछ लोगों को जगा जाते हैं, तो जितने लोगों को जगाते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, बस एक संप्रदाय खड़ा हो जाता है। पीछे से उनको लोग अवतार पैगंबर मान लेते हैं तो और जड़ता हो जाती है कि सत्य सारा यही है, दूसरे में नहीं है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में महाजड़ता हो जाती है। तथ्य यह है, अवतारवाद पैगंबरवाद आपकी भावुकता है। जितने महापुरुष हैं सब आदरणीय है, और सत्य का मोती विवेक से समझने की जरूरत है, और वो साधना का विषय है। मोक्ष कबीर पंथ देगा कि वैष्णव संप्रदाय देगा कि आर्य समाज देगा कि इस्लाम देगा कि ईसाइयत देगी, ये तो बिल्कुल झूठी बात है। मोक्ष देने की चीज है ही नहीं है, हमने अपने को अपने अज्ञान से बांधा है। हमें ज्ञान द्वारा अपने बंधनों को खोलना है। सदगुरु चाहिए, सदगुरु किस्मत का है इसका महत्व नहीं है। जैसे हमें इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश टीचर चाहिए। इंग्लिश टीचर ब्राह्मण है कि शूद्र है कि मुसलमान है, इससे मतलब नहीं है। इंग्लिश ठीक से जानता हो उससे हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अगर हमें साइकिल की मरम्मत करने सीखना है तो उसकी मरम्मत करना जो जानता हो उसी से सीख लेना है। आत्मज्ञानी पुरुष जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने आत्मा का शोधन किया है, जिसने आत्मा में शांति पाई है, ऐसा महापुरुष तथा कथित ब्राह्मण का लड़का हो या मेहतर का लड़का हो, दोनों ही गुरु पूज तुल्य, उसमें कोई फर्क नहीं है। वेद व्यास धीवरी के बच्चे थे और भारतवर्ष ने उनको अपने सिर पर रखा, ये तो आगे चल करके संकुचितता आई। अब आदमी जड़ हो गए और जातिवादी हो गए और जाति को इतना उछाल दिए कि एक वर्ग को उन्होंने अछूत ही मान लिया, जो सबसे बड़ा वर्ग है उसको अछूत कर डाला। छुआछूत का महत्व है वो आचार पर, शुद्धता पर। एक आदमी टट्टी घर में से निकला है, अछूत है, उसे भंडार घर में नहीं जाना चाहिए। नहा ले, साफ कपड़ा पहन ले तो भोजनालय में जा सकता है। हाथ अशुद्ध है, अछूत है, हाथ धो लो तब खाद्य वस्तुओं को छुओ। जो डॉक्टर सावधान होते हैं, एक रोगी को छू करके हाथ धो के दूसरे रोगी को छूते हैं, तो शुद्धि अशुद्धि की दृष्टि से छूत अछूत है। अब एक आदमी है वो रोटी और मछली खा रहा है और दूसरा आदमी भगत है, लेकिन उसके ख्याल से वो छोट जाति का है। अगर उससे छू जाए तो कहता है मैं अशुद्ध हो गया। उसने केवल छू दिया अशुद्ध है, वो रोटी के साथ मछली खाता है अशुद्ध नहीं है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है अशुद्ध नहीं है। लेकिन एक भक्त है, पवित्र आदमी है, लेकिन उसके ख्याल से छोटी जाति का छू लिया तो अछूत हो गया।
ये गलत बात है। कबीर साहब ने व्यंग किया, और के छिए ले तो हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा, और के छू लेने से तुम छींटे मारते हो अपने में, तुमसे कौन नीचा है। दूसरे को नीच मानना ही गलत है। छुआछूत की भावना एकदम छोड़नी चाहिए। कबीर साहब की ये जबरदस्त अपील है कि मानव से मानव मिले तो उसे जाति न पूछे। मानव है बस हो गया, जात तो जानते मानव है। एक पंडित जी ने मुझसे आज से 20-22 वर्ष पूर्व कहा था, महाराज आप जात पात नहीं मानते। मैंने कहा मैं मानता हूं। कई लोग कहते हो नहीं मानते, मैंने कहा मैं बिल्कुल मानता हूं। अपनी जात वालों को जान लेता हूं, चाहे दूर से दूर हो तो मैं जान लेता हूं मेरी जात का आदमी। तो कहे आप कैसे जानते हैं। मैंने कहा अच्छी तरह से पहचानता हूं कौन जात का कौन है, तो बताइए। तो मैंने कहा घोड़ा आता है तो मैं जान लेता हूं घोड़ा जात का है, और हाथी आता है तो हाथी जात जान लेता हूं, कुत्ता आता जान लेता हूं कुत्ते की जात का है, और मनुष्य आता है तो मैं जान लेता हूं मेरी जात का है। तो कहे तब आप जात पात नहीं मानते। हम कहे वाह। एक जगह मैं स्नान कर रहा था कुएं पर, मेरा साधु भर रहा था, तो एक सज्जन पानी भरने आए, तो एक वहां दूसरे खड़े थे, कहे अरे रुको 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 तुम पानी न भरो। हमने कहा क्यों, ये क्यों ना पानी भरे। कहे साहब ये हरिजन है। मैंने कहा हरिजन ही हमारे पास रहते, तुम दुर्जन हो तो हटो यहां से। भरो भैया पानी, तुम हमारी जात के हो। पानी भरने लगा। इतना रोग आप लोगों ने पाल रखा है। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द दिया था, मैंने एक गांधीवादी से सुना था कि उन्होंने स्वयं नहीं दिया था, एक शेड्यूल कास्ट का लड़का ही था, तो उसने कहा कि बापूजी आप जिनको लोग अछूत कहते हैं उनको हरिजन कहिए तो बड़ा सुंदर हो। तो उन्होंने हरिजन कहना शुरू कर दिया और प्रसिद्ध हो गया। तो उन्होंने जो हरिजन कहा इसलिए कि आपके मन का दूषण दूर हो, लेकिन नाम बदल गया और बात वैसे रह गई। अगर आज से 100 वर्ष पूर्व कोई हमारे पास आता और कहता चार हरिजन आ रहे हैं, तो हम कहते भाई गद्दी पर थोड़ी जगह खाली करो, हरिजन यानी संत हरिभक्त आ रहे हैं। अब आप अगर आज कहें कि चार हरिजन आ रहे हैं तो कहा जाएगा पीछे बैठाओ जरा टाट के बाहर करो। ये क्या है, ये हमारे मन का रोग है। तो शब्दावली जितनी भी बदल जाए, जब तक मन शुद्ध न होगा तब तक ये रोग न जाएगा। सदगुरु कबीर की जबरदस्त अपील है हम सबसे। वो कहते हैं कोई मनुष्य किसी से जाति न पूछे। हाँ विवाह शादी के लिए जब तक आप उतने उदार न हो जाए, अंतर जाति शादी सामान्य न हो जाए, तब तक विवाह शादी में पूछ लो। विवाह शादी करना हो तो जात पूछ लो। अंतर जाति शादी शुरू हो गई पढ़े लिखे लोगों में सारों में, लेकिन जब तक वो सामान्य ना हो जाए तब तक पूछ लो। अंतर जाति शादी होनी चाहिए कि नहीं, इस पर मेरा कोई पक्ष नहीं। एक ने मुझसे पत्र देके पूछा था आप अंतर जाति शादी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो मैंने कहा मैं शादी ही नहीं मानता हूं। बन सके तो शादी ही न करो, शादी करने की जरूरत ही नहीं है। तो खैर ये तो एक विनोद की बात थी, सब शादी बिना कैसे रह सकते हैं। तो मैंने कहा भैया इसके विषय में मेरा स्वपक्ष विपक्ष नहीं, सम्मित त्रुटियां होती हैं। तो अंतर जाति शादी जब तक सामान्य न हो जाए, शादी के विषय में पूछ लो कौन जाति के हैं, और आगे पूछने की क्या जरूरत है। जहां तक खान पान की बात है, शुद्धता देख करके बर्ताव कीजिए। शुद्ध नहीं है आपके ही परिवार का है तो उचित नहीं है, और शुद्ध है कोई भी है तो उचित है। ये उदार बनने की जरूरत है इस ढंग से। इसमें कौन गूढ़ता है, परम सत्यता है, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना। आज भी विश्वविद्यालयों की कथा है कि वहां के अच्छे अच्छे आचार्य जाति पूछते हैं, कहते जाति बताओ तब तुम्हारे लिए हमारी धारणा बनेगी कि तुम किस योग्य हो। अब ये विद्वान है कि जानवर है क्या कहा जाए।
जो इतना भी न समझ सके कौन से विद्वान है, अक्षर और लिपि और भाषा जान गए और कुछ नहीं इनमें। इसलिए कम से कम जो कबीर साहब के विचारों को समझते हैं, चाहे वो पंथ के हो या ना हो, एक तो कबीर पंथ है जिसमें भी बहुत शाखाएं हैं, लेकिन एक पंथ है। इसके अलावा कबीर तो ऐसे व्यापक पुरुष हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि कबीर पंथी उनको मानते दूसरे नहीं। कबीर का बहुत व्यापक रूप है। कबीर को संत सम्राट के रूप में, संत शिरोमण के रूप में, दादा गुरु के रूप में आगणित मत मानते हैं। संत सम्राट और संत शिरोमण तो करीब करीब सभी मानते हैं। इसलिए कबीर साहब के लिए जिनके दिल में जगह हो, कम से कम वही संकल्प लें कि हम मनुष्य जाति नहीं पूछेंगे, सुंदर बर्ताव करेंगे जब जो होगा जहां पर। हमारे आश्रम में किसी मनुष्य जाति नहीं पूछी जाती है, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो। एक बार मैं आश्रम में था, बहुत वर्ष हो गए, तो दो सज्जन आए, तो भोजन का दोपहर का भोजन हो रहा था, मैं भोजन करके आ गया था, कुछ लोग कर रहे थे, तो मैंने उन दोनों से कहा तुम लोग जाओ भोजन करो। तो दोनों गए, तो उसमें से एक आया मेरे पास, कहा साहब ये दूसरे हैं, इनका जल नहीं चलता है। ये उत्तर प्रदेश वाले तो जान गए होंगे जल न चलना, यानी उनका छुआ जल नहीं चलता है। तो साहब वो जो साथ में है उनका जल नहीं चलता है। मैंने कहा तुम चलो चलाओ, नहीं चलेगा तो मैं चलाऊं कैसे, नहीं चलेगा। तो हंसने लगा। मैंने कहा उनको थाली दो, लोटा दो, गिलासा दो, पानी दो, और जल न चलेगा तब मैं चलाऊंगा, देखूं कैसे नहीं चलेगा। जल नहीं चलता है। अरे जल तुम नहीं चलाते हो कि नहीं चलता है? एक बार तीन लड़के हमारे पास गए विश्वविद्यालय के, एक ब्राह्मण था, एक वैश्य था, एक मुस्लिम था। तो मैंने कहा भोजन कर लो। विश्वविद्यालय के लड़के जाते हैं तो मैं प्रायः कहता हूँ भोजन, लड़के जाते हैं प्रायः कहता हूँ भोजन कर लो, और भोजन के समय तो कोई भी रहता भोजन करता है। तो और उसमें जो मुस्लिम लड़का था वो सब चाया, वहाँ बातचीत नहीं हुई थी, मैं तो जानता था मुस्लिम लड़का, लेकिन वो सोचता था कि कौन जाने महाराज न जानते हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। कहा महाराज जी भोजन तो घर करूँगा, आप समय नहीं है। मैंने कहा देखो बेटा भोजन कर लो। तो वो बहुत आने का आनाकानी किया, तो जो ब्राह्मण लड़का था उससे मैंने कहा, जब तीनों उधर चले गए तो एक को बुलाया ब्राह्मण लड़के को, मैंने कहा देखो गिलासा और थाली तुम दोनों ले लो, इस लड़के को दे दो, तो इसका समाधान अपने आप हो जाएगा। तो तुरंत तीन थाली और तीन गिलासे तीन कटोरियां लाया और अपना दोनों लिया और मुस्लिम लड़के को भी दे दिया। तब उसको मन में संतोष हुआ होगा, फिर बैठे भोजन किए, फिर माँझ धो के धर दिए। तो उसके मन में ये बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। तो मैं प्रभाव डालने के लिए नहीं किया, मेरा स्वभाव है। अब आप लोगों के बीच में मैं इसलिए कहता हूं, आप लोग मुझे आजाद करना हो तो आजाद कर दीजिए, मैं स्वीकार लूंगा। 20 बरस तक मेरे पास एक मुस्लिम का लड़का था, असाधु था, मेरी रोटी बनाता था, ब्राह्मण को भी खिलाता था जब अवध क्षेत्र में जाता था, ब्राह्मण लोग जानते थे उसको, खाते थे। तो ईसाई का लड़का, ईसाई लड़का भी 3.5 वर्षों तक हमारे साथ था। छुआछूत का रोग गलत है। आपका हाथ दूसरे का हाथ, दोनों के हाथ में क्या फर्क है? दोनों का हाथ वैसे बस साफ चाहिए, इसलिए शुद्धता पर ध्यान दें, इसमें कोई गूढ़ता नहीं है। मानव को मानव समझें, मानव से प्रेम का बर्ताव करें, मानव की अतिरिक्त प्राणी जितने हैं मानव से उन पर करुणा और दया रखें। छोटे छोटे जानवरों को भी जितना बन सके तकलीफ देने की चेष्टा तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत सहज है समझना। काम क्रोध लोभ मोह के उद्वेग अशांति लाते हैं, इन उद्वेगों को दूर कर देने वाला शांति पाता है।
इसमें कोई मत मतांतर की जरूरत नहीं है। नाना मत हैं और सब मत किसी देश किसी काल में चले हैं, वे छिड़ होते हैं और तिरोहित होते हैं और नए मत निकलते हैं। आज से 2500 वर्ष के पुराने मत कोई नहीं है भारत में, दुनिया में नहीं है। करीब करीब 2500-3000 वर्ष का पुराना मत कोई नहीं है। सारे मत इसी के अंदर के हैं। पुराने वाले मत छीण हो चुके हैं, बदल चुके हैं, रूप बदल गया है। हिंदू शब्द, हिंदू शब्द का प्रचलन 2500 वर्षों से। एक स्वामी जी ने तो यही कहा इसी मेले में कि हिंदू शब्द तो अनादि है, अब इतनी जबरदस्ती करने वाले के लिए क्या कहा जाए। हिंदू शब्द वेदों में नहीं है और वैदिक साहित्य में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, धर्म ग्रंथों में नहीं है। दो महाकाव्य हैं रामायण महाभारत, उनमें भी नहीं है, पुराणों में आया है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, इस देश को हिंद देश और हिंद और हम लोगों को हिंदू, हमारे पूर्वजों को, तब हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। किसी भी शब्द कोश में आप हिंदी और हिंदू शब्द लिखा हो तो देखेंगे आगे कोष्टक में फा लिख करके सिफर होगा, यानी फारसी भाषा का शब्द है। सारे शब्द देश काल में बनते हैं, किसी देश काल में और बदलते हैं, लेकिन सत्ता नित्य रहती है। जड़ और चेतन की सत्ता नित्य, आत्मा नित्य। इसलिए जो बीच में बनी हुई चीजें हैं उनको लेकर सारे महापुरुष केवल मनुष्य है। इसलिए सत्य की एकाधिकारी ठेकेदारी गलत है। किसी संप्रदाय का एकाधिकार सत्य पर नहीं है। हमने बंधनों को बनाया है राग मोह आसक्ति करके, हमें उसको काटना। संत गुरु केवल उपदेश करेंगे, करना पड़ेगा स्वयं। इस बात पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। धनी लोग और शिक्षित लोग, ऐसे गुरु मिले और वह हमारे पापों को काट दे और बिना हमारे साधना तप किए हमें रिद्धि सिद्धि और मुक्ति दे दे। और ऐसे लोगों को ठगने के लिए चमत्कारी बाबा जगह जगह उदित है, जो अपने को अवतार कहते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कारी बाबा आकाश मार्ग से चले गए, एक ही दिन में कई रूप दिखा दिए। कृष्ण भगवान से बातचीत कराए, कबीर साहब से बातचीत कराए। इस विज्ञान के युग में ऐसे धूर्त कथनों की प्रशंसा विद्वानों में होती है, अब क्या कहा जाए उनको विद्वान। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे पाप कट जाए पूजा कर देने मात्र से और बिना त्याग तप साधना के हमें रिद्धि सिद्धि मुक्ति मिल जाए, ऐसे लोगों को ठगने के लिए धूर्त गुरु तैयार है। लेकिन ये समझ रहे कि तिल तिल करके आपने अपने जीवन में दोष भरा है, उसी प्रकार उन्हें आप ही को काटना पड़ेगा। और जब जीवन निर्दोष होगा तब शांति मिलेगी, और शांति ही मुक्ति। मुक्ति देने की चीज नहीं कोई दे देगा। अपने हृदय को कूड़ा कचरा बुहार दो, चित्त निर्मल हो जाए, बस शांति है, वही मोक्ष है। ये सारी बातें साफ है। इन बातों में कोई कभी पंथ की बात, मानो की निगाह से मानो देखे, ये भी कबीर पंथ की बात नहीं है। कबीर कहते हैं, लेकिन ये मानवता का स्वर है। हमें चाहिए दूसरे को दुख न दें और अपने मनंद्रियों पर संयम रखें। फिर इसी में सब दर्शन है। मेरा होना सत है और दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव और अपने आप पर कंट्रोल, ये सत है। और इसका आचरण कर लें, सब वेदशास्त्र इसी में है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगला जो प्रोग्राम है उसको आप देखें और सुने भी।
अगला प्रोग्राम है जादू का। आप लोग मानते हैं इसमें, कुछ लोग तो जो जानते हो नहीं मानते होंगे, बहुत लोग मानते होंगे कि ऐसे हाथ लहराया तो रुपया आ गया, तो मंत्र से रुपया बन गया, मंत्र से जो चाहे सो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें रहती है जादूगर के पास वही दिखाते हैं, वो बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई और हाथ की सफाई, इन सब कारणों से वो ऐसा दिखाते हैं। अब आप समझ नहीं पाते हैं, समझ जाएंगे तो कुछ नहीं है। तो इसलिए समय समय से हमारे साधु जादू दिखा करके उसका पर्दाफाश करते हैं, दिखाएंगे फिर बताएंगे कि इस ढंग से है, इसमें न मंत्र है न कोई टोना टोटका है न कोई देवी देवता है, आप कहीं ठगाइएगा नहीं, निर्भ्रांत रहिएगा, जादू टोना नाम की कोई चीज नहीं है। तो जादू का प्रदर्शन आप लोगों के सामने देवेंद्र जी करेंगे और शायद शीलेंद्र जी भी रहेंगे। अब उसको आप लोग देखिए और स्थिर होकर के बैठिए। बोलिए सतगुरु देव की जय।